है कि अभी किसी ने, मैं जब रिटायर हुआ हुआ था उस समय, दिस फेलो ही वांटेड मी टू सेट अप अ कार्बन क्रेडिट कंपनी. ओके. तो थोड़े दिन मैं वहां पो में भी रहा कि इसमें फायदा भी है कि किसानों को जो भी हमारी पद्धति से खेती कर रहे हैं, जो बिना जोते खेती कर रहे हैं, मेरे हिसाब से एक खेती खेती है, बाकी सब कोई मतलब नहीं. तो और मोटा मोटी उसमें ही वॉज विलिंग टू पुट मनी एंड ही वॉज विलिंग टू एंड इफ आई वुड हैव बीन देयर एट द हेल्थ फेयर आई वुड हैव इंश्योर्ड कि किसानों को फेयर प्राइस मिले. बाकी ऐसा नहीं कि अगर उनको $10 मिलना है तो उनको $1 में खरीद लिया उनसे और उनको तो बगैर कुछ किए मिल रहा है तो बेचारों को जो मिल जाए तो वो मैं नहीं होने देता. वो सारी चीजें थी लेकिन दो तीन दिन में फिर मैंने उसको कहा कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा. तो फॉर द सिंपल रीजन आप समझने की कोशिश करिए कि आज के दिन में सबसे जरूरी चीज क्या है, जंगल लगना. तो अस्तित्व की बात है, पैसा और ये तो लालच में पूरी दुनिया है और गरीबों की भलाई के लिए जो हम जो छोटी छोटी दो तीन चीजें हमने सोच रखी हैं वो दे आर मैसिव और जो आप सोच रहे हैं वो उससे और बेहतर हो जाएगा. तो आई हैव वेरी क्लैरिटी, एवरी क्लैरिटी इन माई माइंड थ्रू द हेल्प ऑफ द यूनिफॉर्म सर्विसेज, थ्रू द हेल्प ऑफ दीज एनजीओज, थ्रू द हेल्प ऑफ द लाइक्स ऑफ है ना जैसे सिंचीवाल. एक बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, थ्रू द यूनिफॉर्म सर्विसेज. मैं उसका एक ऑलरेडी कि देखो बहुत सारे लोग जो है वो यूनिफॉर्म सर्विसेज में है और उनके जो है खेत वेत का लोवा दूसरा कब्जा कर ले रहे हैं और बहुत सारी बदमाशी कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात. तो वो सारी चीजें करेंगे तो लेकिन वो मैं जो जंगल लगाने वाला और ऐसे मॉडल जो कम से कम 10,000 हो जाए ताबड़तोड़ उसमें लगा हुआ, तो उसके बाद मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है और ना टाइम है. अच्छा साथ ही साथ तो इसमें देखिए इसमें जो जंगल लगाने की ही तो बात कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट में जंगल लगाने की कार्यक्रम अलग चलाया जाए और यदि हम निजी जगह में ही आधा जंगल लगा लें 1/3 एरिया में तो क्या दिक्कत है. मैं तो वही कर रहा हूँ. मेरे हिसाब से मैंने फूड फॉरेस्ट छोड़ के बाकी किसी चीज का कोई मतलब नहीं है. और सबसे बड़ी बात है कि इस एक चीज आपने की तो इसके साथ साथ बहुत सारे जो पर्यावरण वाले जितने मुद्दे हैं वो भी सॉल्व होते हैं और गरीबी के भी मुद्दे सॉल्व होते हैं SDG के. सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने वाला जो सबसे बड़ा संकट है वो कैंसर का है. सही बात है, बिल्कुल सही है. और ये कैंसर ठीक करता है, प्रिवेंट करता है, दोनों चीजें नहीं है. जब जो देखिए अल्टीमेटली कैंसर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सेल आपके विरुद्ध विद्रोह कर रही है, उसके ऊपर हमने अति कर दी है इसलिए कैंसर है. कैंसर अलग का तो कोई कारण ही नहीं है उसका. सही बात. कैंसर इज ए रिवोल्ट एंड योर ओन सेल इज गेटिंग फ्रॉम बेनाइन टू मेलाइन, राइट, एंड इट इज स्टार्टिंग ओवर ग्रोइंग, दैट्स ऑल, राइट. और ऑटोनोमस डिसीजन में भी यही हो रहा है कि एक सेल अपनी सेल को पहचान नहीं रही और उसको जो है ना फॉरेन बॉडी मान के उसको मारने के लिए तैयार हो गई. सही बात है. तो ये दो चीजें जैसे ही इनके जो है ना अत्याचार के पॉजिटिव फैक्टर खत्म हो जाएंगे ये दोनों डिसीजेज ऐसे गायब होंगी जैसे कि थी ही नहीं वहां पे. मानता हूँ इसको. तो नहीं हमारे हमारे पास तो वो है ना कि विधा है जिसमें आप ऐसे जंगल में रहें, आप यू ब्रीथ दैट कहते हैं ना जापानीज फॉरेस्ट ब्रीदिंग, और जो ऐसे ऐसे जंगल का की योगी हल्दी हो और ये सरल चीजें हैं जो आपके बॉडी को अल्कलाइन रखती हैं, आपका बॉडी अल्कलाइन रहे जिंदगी में आपको कैंसर नहीं होगा. तो वो पार्ट हो गया है. दूसरा पार्ट ये है कि हम जब पूरे एरिया के मेडिसिनल प्लांट को खोज के और उसमें लॉन्गेटिविटी की चीजें अल्टीमेटली आपके ऋषियों ने क्या किया था, आपका किचन एक वैद्यशाला थी और ये जो मसाले हैं ये बर्ड जो है ये मुस्लिम्स के द्वारा लाया गया, जब मुगल रूलर्स थे उन्होंने इसको यूज किया. उसके पहले उसे औषधि कहा जाता था, चाहे हल्दी है हल्दी को औषधि कहा जाता था, है ना बिल्कुल. तो ये औषधि से मसाला हमने बना दिया. सही बात. तो बेसिकली ये सब औषधियां हैं, राइट. अब हम इनमें से जो और उन औषधियों को जिनको हम आटे में के साथ मिला के तैयार कर सकते हैं और फिर हम उसमें वो भी कर सकते हैं कि कौन सी औषधियां जो है कि वो गर्मियों में अच्छी है, कौन सी औषधियां जो है ना वो सर्दियों में अच्छी है, और फिर वी कैन से कि आटा फॉर समर आटा फॉर विंटर इस तरीके का जो है ना, और उसमें FPO के माध्यम से उसे खुद भी पैदा करके
and trying to reach out that Amrit to the everybody and that too at very affordable rate. Very true, very true. अभी जो main problem क्या है कि हम अपनी वितृष्णा के कारण कुछ लोगों को गरीब रखना चाहते हैं. सही है. जैसे अज्यूम करिए कि यदि हर कोई हायर लेवल ऑफ इनकम पे एडजस्ट करे, राइट, अभी जो है ना जो आपका मजदूर है जिसमें मैं जैसे मान लो मेरी सोच है कि उसको 48,000 रुपीज मिनिमम परचेजिंग पावर हम देना चाहते हैं, दो इट विल बी ड्रिवन थ्रू नॉट सैलरी बट थ्रू द हिज वर्क, बट यदि सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम विच ही विल बी गेटिंग दैट शुड नॉट बी लेस देन 48,000. ये हमारा सोच है, राइट. अब वो यदि निकम्मा आदमियों का काम ही नहीं करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा. हाँ. लेकिन आसानी से 48,000 प्लस वो एक सामान्य वर्कर कमा रहा है, राइट. अब यदि एक फैमिली में चार वर्कर हैं और उसकी 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो जाती है तो ही कैन अफोर्ड ए गुड हाउस, राइट. अब आपका इको सिस्टम जाके उसको उसके हिसाब का जो है ना घर बना के भी दे दे. अब आप ये बताइए कि भाई जो है ना अच्छे फल अच्छी सब्जियां अकेले आप ही क्यों खाएंगे. एक सामान्य जो है ना गांव का जो है ना वर्कर क्यों नहीं खा सकता है, नंबर वन. वो जो है ना पैदल चल के क्यों जाए, उसके लिए अच्छी बसेस क्यों नहीं हो सकती है उसको जो है ना उस जगह पे काम की जगह पे ले जाने के लिए. सही है. वाई शुड डू द मैनुअल ट्रेचरी. हम उसके लिए इतने सारे इक्विपमेंट और मशीन टूल बनाए और उसके RFID और GPS और सब चीजें लगा के बदमाशी करने का मौका ना दें उसमें और थोड़ी सी रीडिजाइनिंग करें. अभी हमारा जैसे मान लो आरओ है तो उसमें वो फिल्टर जो है वो इसलिए बदलना चाहता है कि ज्यादा पैसे कमा ले, राइट. हम ये कह रहे हैं कि यदि मान लो आपकी बियरिंग घिस रही है यूज के कारण तो बियरिंग जो है ना एक छोटे से जो है उस पर केस पे क्यों नहीं हो सकती है, उसको होल्ड करने के लिए जो स्ट्रांग मेटल है वो बनी रहेगी. आपने जो ना एक मशीन से उसको प्रेस किया, बियरिंग बाहर आ गई, आपने दूसरी बियरिंग उसमें डाल दी और इस मेटल को भी आपने रीमेल्ट करके उसमें माइक्रो जो है मेटालिक माइक्रो एलिमेंट जोड़ के उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा दी तो फ्यूचर की बियरिंग आपकी वर्तमान बियरिंग से और बेटर बियरिंग होगी और हमारा वेस्टेज जीरो पे जाएगा. तो हम यदि जो है भविष्य में इस कॉन्सेप्ट के साथ आए कि हमारी कोई भी मशीन इट विल बी लाइफ टाइम वारंटी तो उससे क्या है कि जो हमारी मशीन पार्ट्स और सब चीजें जो है दे आर क्रिएटिंग वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड दिस वेस्ट एंड दैट वेस्ट, वो वेस्ट विल ऑटोमेटिकली विल गेट कलेक्टेड एंड उसको हम रिफॉर्मेट करके आज के द बेस्ट इक्विपमेंट और मशीनरी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सही है. एंड विद द वेरी लिटिल जो है ना कॉस्ट ऑन इट. करेक्ट है. तो अभी हम जो है यदि मेरा कहना यह है कि दिस अबंडेंस थोड़ा सा डिफरेंटली सोच के हम ला सकते हैं और चूंकि हम लोग डिफरेंटली सोचने की हिम्मत कर रहे हैं, उसकी वो मैकेनिज्म पैदा करने की हिम्मत रखते हैं और उसको जो है ना वर्तमान टेक्नोलॉजी से वर्तमान मैनेजरियल कॉन्सेप्ट से ड्रिवन करके यदि हम उसे परोसने की स्थिति में हैं, जो कि और कोई नहीं है क्योंकि और कोई इस लाइन पर सोच नहीं रहा है. ठीक बात. और वो सोच भी रहा है तो वो बहुत छोटे पार्ट सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा है, वो एंड टू एंड सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहा है. अभी मैं 2-3 दिन पहले मैं अपने फार्म हाउस जा रहा था तो मैं रास्ते में देखा बहुत सारी महिलाएं जो है अपने फार्म प्रोड्यूस को बेच रही हैं क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि वो जो है ना पैदा कर रहे हैं और मंडी के थ्रू बेच रहे हैं तो उनको पिटेंस मिल रहा है. तो दे आर बीइंग फोर्स के अपने खेत पे काम करने की बजाय वो दुकान लगाना पड़ रही है. ठीक. अब ये जो एबनॉर्मल डिस्टॉर्शन है यदि हमारी डिलीवरी मैकेनिज्म एबनॉर्मल डिस्टॉर्शन को करेक्ट करते हुए जिसको जितना जाना चाहिए उतना वहां पहुंचा दे तो वो महिला जो है वो खेत वहां पे दुकान लगाने की बजाय शी कैन कंट्रीब्यूट ऑन हर फार्म हाउस. यस. बिल्कुल सही बात है. तो चलिए अपन अभी आप थोड़ा सा जब ठीक ठाक हालत में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि देखो ये जो हमारी बातचीत है हम इसको एनर्जी माने, नंबर वन. नंबर टू जो है हमारे जो पूरी प्रॉब्लम्स के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, हम उस सेगमेंट के सब प्लेयर्स को अलग अलग प्लेयर्स को बात करके उनको काम पे लगाते हैं क्योंकि हमें जो प्रेजेंट मशीनरी और टूल्स हैं उसमें भी मॉडिफिकेशन करना चाहिए. वेरी ट्रू. क्योंकि आई वेरी स्ट्रॉन्गली रखें कि आप हमारे थ्रू जितने भी जो हम आई एम आल्सो लुकिंग फॉर लीडर्स, आई एम आल्सो लुकिंग फॉर डिसिमिनेशन इन अ फास्ट वे थ्रू विच एवर वे. तो ऑल दैट आपका जो पूरा कनेक्शन है, व्हाई दैट होल कनेक्शन कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द CFB.
अच्छा नंबर वन, नंबर टू आपके पास जो है ना बैरिड तरीके के लोग हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ ये है कुछ वो है, सम ऑफ देम जो है ना दे आर द वेंचर कैपिटलिस्ट आल्सो, दे कैन इन्वेस्ट इन द फील्ड, दे विल बी एट योर कमांड वंस थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, दे विल कम टू हेल्प यू. I mean, at least I'll try to make them to see the reason. I want to concentrate in Malay. Not only the reason. I am saying that they will be drawing good, jo hai na, dividends from that. क्यों नहीं? उसके बिना तो P fund वाला सब आता भी नहीं है. आप P fund तो इसके लिए भी तैयार है कि जो मैं जंगल लगाने की बात कर रहा हूँ. देखिए क्या है, यूरोप बहुत घबराया हुआ है. हमारे यहाँ अभी उतनी घबराहट नहीं है. नहीं, हमारे यहाँ इसलिए घबराहट नहीं है कि हम लोग भगवान के भरोसे होते हैं, जो कुछ हो रहा है वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण हो रहा है. तो हम जब खाली पेट रहते हैं तब भी हम जो है ना कैसे भी अपने आप को जो है ना मना के काम चला लेते हैं. जब हमारा पेट भी खाली होता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, यूरोप की घबराहट है वो ये है कि 15 साल में दे आर एक्सपेक्टिंग मतलब 1.5 बिलियन पीपल टू माइग्रेट. तो वो घबराए हुए टू विच प्लेस, टू यूरोप फ्रॉम फ्रॉम ऑल अक्रॉस द नेबरिंग विच एवर विल ड्यू टू द क्लाइमेट. व्हाई दे विल गो देयर? व्हाई दे विल गो? बिकॉज जो सबमर्जेंस होएगा, समंदर जो उठ रहा है, अब समंदर थोड़ी नीचे जाने वाला है. आप कितना भी प्रयास कर लें, अब इट इज बिकम इरिवर्सिबल. देखिए अभी शिद्दत से लोग नहीं समझते हैं, मैं तो समझता हूँ. जो IPCL का जो रिपोर्ट कहता है, अब इसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल काम है. लेकिन जो फाइट हो सकता है कि आपका एग्जिस्टेंस को सर्वाइव करने के लिए, विच आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग. मुझे लगता है कि ये जो इरिवर्सिबल की थ्योरी है, ये गलत थ्योरी. मुझे क्या लग रहा है कि जो पानी जैसे जो आपका 2000 फीट 1000 फीट पे और 800 IPCL रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे बहुत सारे कंट्रीज हैं और ये ऑनेस्ट लोग हैं. तो कहे कि ये कंट्री नहीं है, ये 62 कंट्री के लोग हैं. 62 या 66 नहीं, मैं जो है बेसिकली आई हैव डन वन कोर्स ऑन आई वाज मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट वाज इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ द टेरी यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्सास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ द न्यू हेवन, राइट? और जो MIT का जो NGO है वो दैट यंग फेलो दे प्रेडिक्ट अबाउट वर्ल्ड दिस थिंग, ही इज फ्रॉम MIT. Okay. And they belong to an elite group of people who predict about world's the climate change for the last 10 years. They had predicted about New York with deadly accuracy. So it is their report. I know someone from IIT who is one of the classiest, whose life is this. It is not he does one thing and something else. His life is only dedicated to this. Ye inka view hai jo main keh raha hu. I hope they are wrong, and but IPCC report. They are perfectly right with the existing trend. लेकिन हम उस trend को जो है ना altogether reverse direction में भी ले जा सकते हैं, जो कि ले जाना हर तरीके से लाभप्रद भी होगा. तो आई फील के द फिनोमेना विल बी रिवर्स. करेक्ट बात है, लेकिन है कि जो ये समंदर वगैरह बहुत सारी जो ग्लेशियर्स हैं जो समंदर वाले हैं, वो तो मुश्किल है, नहीं होता रिवर्स जो उनका कहना है. तो मैं तो जो एक सरल किसान हूँ, मैं जानता हूँ पेड़ लगाना, मैं जानता हूँ धरती नहीं जोतना, मैं जानता हूँ बीमारी नहीं होने देना, बीमारी को ठीक करना, और मैं जानता हूँ नदियों ठीक करने का से लेकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मिट्टी बहुत कम लोग समझते हैं, मैं समझता हूँ. तो धरती जोतनी बंद की और प्रकृति के लिए क्या कहते हैं वो भाव रहा, आदर भाव रहा, सब चीज बदलता है. तो ये चीजें जो अपने हाथ में वो मैं करता हूँ, जो चीज मेरे हाथ में, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ. मेरा ये कहना है कि उनका प्रेडिक्शन उनके साथ रहने देते हैं, हमारे बाहुबल है और हमारी सोचते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें. 100% यही मैं कहता हूँ. लेकिन वी शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू एंड थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू. अच्छा, जो चीजें आप कर ही नहीं सकते हैं उसके बारे में, उसमें एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय जो हम कर सकते हैं उसमें दैट इज वो देखिए वो तो क्या है, दैट इज मैटर ऑफ आपने पिछले 100 साल में जितना डिस्ट्रक्शन किया है ह्यूमन रेस ने, तो इसलिए तो यहाँ पहुंच गए हम लोग, है ना? सही है. लेकिन जो है रिक्रिएशन का रेट इज फास्टर देन द डिस्ट्रक्शन. यदि हमें अपना जो फील्ड मैं करता हूँ वो तो मैं समझता हूँ, यस
तो फिर जब हम रिक्रिएट कर देंगे और जो है ना वो चारों तरफ जो है ना रिवर्सिबल हो जाएगा, तो चीजें रिवर्सिबल क्यों नहीं होंगी ये बताओ ना मुझे। नहीं, कहाँ से आप वापस आर्कटिक पर जो आइस पिघल गया है या पिघल रहा है और समंदर की जो पानी पड़ रहा है उसको कहाँ से आप वो जो है ना दोबारा एवोपरेट होके वहाँ पर जो है ना दोबारा जो है ना आइस डिपॉजिट क्यों नहीं हो सकता है, उस साइड स्केटिंग नहीं हो सकता है। अभी तो लग रहा है लोगों को, साइंटिस्ट को, पूरी कम्युनिटी को, पूरी दुनिया नहीं नहीं, वो दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर राइज, दे आर नॉट थिंकिंग दैट कि इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। अल्टीमेटली वहां पर ग्लेशियर के ऊपर जो है ना बर्फ कहाँ से पहुंची? नहीं वो सही है, आप एक बार लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो बर्फ वहां पर दोबारा क्यों नहीं पहुंच सकती है भाई, आप उसको बन में क्यों सोच रहे हैं? हाँ देखते हैं, करें लोग सारे प्रयास, तो पूरी दुनिया करना पड़ेगा। नहीं तो अपन वही तो कर रहे हैं कि जो है ना हर खेत पे जो है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जो अपने से कर सकते हैं वो करें और उसको स्केल पर करें। अभी तो बहुत छोटे स्केल पर है, 3,000 acres और 5,000 acres से कुछ नहीं होना है। नहीं लेकिन सीएफबी का जो एग्रो मॉडल है वो तो नहीं कह रहा है, वो तो कह रहा है हम सब किसानों तक रीच आउट करेंगे और उनको अपना हिस्सा बनाएंगे, और उनको जो लाभ मिल रहा है, जब लाभ मिल रहा है तो वो क्यों हमारा हिस्सा नहीं बनेंगे? बनेगा बनेगा, लेट्स होप सो। क्योंकि जब यदि उनको 1 MSP विदाउट कॉस्ट इम्प्लीकेशन मिल रहा है, और जब आप जो है ना हमें कह रहे हैं हम टैक्सेशन को 1% पर ले जाएंगे। देखिए मैं तो जो बात कह रहा हूँ उसमें किसी का नुकसान नहीं है, एक्सेप्ट दवा कंपनी का, एक्सेप्ट फर्टिलाइजर कंपनी का, एक्सेप्ट जहर देने वाली कंपनी का, बाकी नेता का भी फायदा है, जनता का भी फायदा है, सबका फायदा है। नहीं नेताओं का फायदा नहीं, क्योंकि जहर बेचने वाली कंपनियां नेताओं को भी तो पैसे मार रही है। ठीक है, आप ये देखिए ना, इस अभी अपनी वर्तमान सरकार ने 1,78,000 crore जो है ना इंडस्ट्रीज के नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पे माफ किए हुए हैं, और इन्हीं लोगों से जो है जो पॉलिटिकल बॉन्ड्स लिए हैं एनोनिमस, ये बताइए ये बेहुदापन नहीं है कि आप जो है ना एनोनिमस बॉन्ड कैसे जारी कर सकते हैं? सब तरह के लोग हैं। नहीं आप ये बताइए कि इसके आज के जमाने में इवन वाई ए पेनी जो है ना पार्टी शुड गेट विच शुड बी एनोनिमस, why they should not be restriction के no political party can accept anything other than the e-transfer? सही बात है, बिल्कुल सही। और जो ज्यादा ज्यादा पैसा देगा उसको हम ये हक क्यों न दे दें, राइट टू लॉबिंग, कि यदि मैं 100 crore दे रहा हूँ तो मैं ऐसे भारत देखने का सपना खोज रहा हूँ। सपना तो हमारा भी है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ यदि हम आपको 100 crore rupees पोलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं तो आई कैन कम अलॉन्ग विद द लॉबिंग, कि मैं ये 100 crore इसलिए दे रहा हूँ कि मैं ऐसे भारत को देखना चाहता हूँ, ऐसे नियम कानून को देखना चाहता हूँ, सो दैट विल बिकम ए ओपन एंड ट्रांसपेरेंट जो है ना लॉबिंग, जिसपे डिबेटिंग हो एंड देन वी कैन ड्रॉ द पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही, अभी तो आपने विजिटिंग टेक योर टाइम एंड नाउ आई विल वेट फॉर योर कॉल, then we will connect, right? Yeah. Okay. Thank you. Namaskar.